प्रप दिने दीने कबंधो शरण प्रपदे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्यारे की, श्री जी महाराज की श्रीपाचनवतन्पुरी ज्री जगत ज्री गुरु आचार्य श्री स्वाट् कृष्णमणिजी महाराज की

छोड़े नहीं क्यों कार बोलिए कृष्ण का नहीं लाल की धर्म प्राण सुंदर सात जी आप सभी को प्रेम प्रणाम शुभ प्रभात हम सभी बीतक प्रशिक्षण प्रसंग पर उपस्थित हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत वितक के द्वितीय प्रकरण की अठहत्तरवीं चौपाई तक कल चर्चा हुई थी कि श्री देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म तत्व अन्वेषण के लिए अर्थात परमात्मा की खोज के लिए घर से निकल गए हैं मार्ग में क्या कुछ घटित हुआ क्या कुछ प्रसंग बना ये सारी चर्चा यहाँ पर चल रही है उन्हें एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिया जिसका भेष सिपाही का था वह भयभीत हुए अंत तो उन्होंने साथ दिया और बाराती तक वे पहुंचा देते हैं प्रातकालीन समय में जब अंधेरा पूरी तरह से छटा भी नहीं है वो उजाला हुआ नहीं है अब उजाला हो नहीं वाला है ऐसे समय में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अपने साथी मतलब बारातियों के निकट पहुंच जाते हैं फिर उनकी और जैसे ही दृष्टि की पुरुष अंतर ध्यान हो जाते हैं तब श्री देव चंद्र जी महाराज को लगता है कि अभी तक मैं जिस व्यक्ति को चोर होगा लुटेरा होगा डाकू होगा अब मुझे घर में ले जाकर के कैद खाना में रखेगा अपने बंधन में रखेगा अपने क्या बोलते हैं अपने कैद में रख करके वह मुझे गुलाम बनाएगा सेवा कराएगा आदि आदि वह सोच रहा था मैं लेकिन ऐसा नहीं था वह तो कोई दिव्य पुरुष वह मेरे आधार थे मेरे मालिक थे मेरे स्वामी थे ये सारा प्रसंग चल रहा है तो वे उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही दिव्य पुरुष के अंत अंतर ध्यान होने के बाद में उनके दर्शन जब सदगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज को नहीं हुए तो कहते जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़े नहीं क्यों कर रहा मैं कहीं भी जाऊँ किसी भी परिस्थिति में हूँ किसी संकट की घड़ी में हूँ दुख की घड़ी में हूँ परेशानी में हूँ ऐसी घड़ी में मुझे कभी ये छोड़ेंगे नहीं मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे हमेशा मुझे साथ देंगे और मुझे मार्गदर्शन करते रहेंगे मेरे पथ प्रदर्शक बनते रहेंगे ये मुझे पूर्ण विश्वास हुआ पूर्ण भरोसा हुआ यही कहते हैं ये ऐसा देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया अब हम आगे प्रसंग चलते हैं क्योंकि कल हो सकता है किसी ने पूरी तरह से सुना न हो तो ये प्रसंग थोड़ी देर में ही सब आपके ध्यान में आ जाए इसलिए अब हम आगे चलते हैं तो आगे की चौपाई क्या कहती है यह तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज ले इन पर वह क्या कह रहे हैं यह तो तहकीक हुआ तहकीक मतलब निश्चित यह तो पूर्ण रूप से निश्चित हुआ क्या हुआ धनी है मेरे हाजर हाजर मतलब हजूर पास में निकट में एक एक ध्यान देना मेरे धनी है मेरे मालिक है वो मेरे निकट ही है मेरे पास में है मेरे हुजूर में है देखो हुजूर से हजूर बना वो है हजूर मतलब पास में तो यही शब्द है हाजर मेरे हाजर में मेरे सामने ही उपस्थित मतलब मेरे अंदर ही बैठे हुए हैं मेरे इर्द गिर्द ही हैं मेरे से बिल्कुल दूर नहीं है निकट है मेरे से धनी है मेरे मालिक मेरे से बिल्कुल निकट ही हैं भले अब कहाँ जाएंगे अभी मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं लेकिन मुझे विश्वास है वो मेरे पास है वो कहाँ जाएंगे भले अब कहाँ जाएंगे भला भले के अर्थ है भला अब वो कहाँ जाएंगे एक भाषा की शैली है यह भले मतलब भला अब वो कहाँ जाएंगे क्योंकि वो तो मेरे पास ही है ना मेरे निकट ही है मैं खोज लिया इन पर अब मेरे सामने नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन मुझे भरोसा है वो मेरे पास है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा मैं उनकी तलाश करूँगा खोजूँगा ढूंढूँगा वो कहीं बाहर गए नहीं है आगे कहते हैं तब सन्मुख चले साथ को आवत टोके तिन्ना कौन है कहाँ आवत नाम देव चंद्र लिया इन्ना आगे चौपाई कहते हैं जैसे पहले ही चौपाई में उन्होंने यह विचार किया कि मैं धनी को खोज लूंगा ढूंढूंगा तपास कर लूंगा वो मेरे निकट ही है ऐसा विचार करके वे आगे चलने लगे देखिए सुंदर साथ जी इसमें यह मात्र देवचंद्र जी महाराज की बात नहीं है हम सभी को भी यही समझना चाहिए कि परमात्मा तो हमारे पास में ही है हमारे निकट ही है हमारे से दूर नहीं है बस हमें याद करने की जरूरत है इसीलिए तो कहते परमात्मा को हम एक बार याद करते हैं तो परमात्मा जी जी करते हुए दस कदम हमारी ओर आते हैं जैसे बालक अपने माता पिता को क्रंदन करते हुए विलाप करते हुए याद करता है तो माता पिता उसको पाने के लिए उसको दुख से दूर कराने के लिए उसकी पीड़ा हरण करने के लिए कितने आतुर होते हैं कितने प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार हम सभी तो परमात्मा के ही तो संतान हैं परमात्मा के ही तो बच्चे हैं इसलिए हम कभी भी दुखी हों कभी पीड़ित तो हों किसी भी असमंजस में फंसे हुए हों किसी की किसी भी सं का कीर्ण मार्ग में चल रहे हों किसी की संकट की घड़ी में हों तो वहाँ पर यदि हृदय के भाव से हृदय पिघला करके यदि परमात्मा को हम याद करें तो परमात्मा हमें हमेशा या साथ देंगे परमात्मा मार्गदर्शन करेंगे बस जरूरी है केवल स्वार्थ बस नहीं परमात्मा को याद करें प्रेम भाव से याद करें क्योंकि वही तो सबके आधार हैं हम उनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं मानने के लिए तैयार नहीं हैं हम माया में रचे पचे हैं इसलिए हमारी दृष्टि उनकी ओर नहीं है इसलिए उनको पल पल याद करना चाहिए इसलिए संत महापुरुष वाणी में भी कहते हैं केवल दुख की घड़ी में ही नहीं उन्हें सुख की घड़ी में भी आनंद की घड़ी में भी उन्हें याद करें वे तो स्वयं आनंद स्वरूप है उनके द्वारा ही हमें आनंद मिलता है उनके द्वारा ही सुख प्राप्त होता है लेकिन हम वो समझते नहीं है ये आनंद कहाँ से आया हमें ख्याल ही नहीं होता हमें सुख कहाँ से मिल रहा है ये हमें पता ही नहीं होता इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में दुख आता है कष्ट आते हैं तो तब जाकर के हम उनको याद करते हैं इसलिए तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुखे सुख में करे न को तो दुख में तो सब कोई सुमिरन करता है याद करता है सुख में कोई नहीं करता यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को ओ, ये तो कभी दुख नहीं होगा सुख में भी यदि उन्हें याद करें सुमिरन करें भजन करें भक्ति करें उनका तो हमें कभी दुख नहीं आएगा तो सदगुरु जी महाराज ने सोचा वो तो मेरे निकट है मेरे आधार वो मेरे निकट ही बैठे हुए हैं मेरे पास बैठे हुए हैं हम सभी के पास में हैं हम सभी के हृदय में हैं जरूरत है उन्हें अनुभव करने की जरूरत है उन्हें प्रकट करने की यही बता रहे है हैं फिर ऐसा विचार करते हुए आगे चल रहे थे कि तब सन्मुख चले साथ को वे वहाँ से जहाँ पर खड़े थे वह आगे चले सन्मुख चले साथ को साथ मतलब वो बाराती बाराती की ओर सन्मुख मतलब ये सम्मुख संस्कृत का शब्द है सम्मुख सम्मुख से सन्मुख हुआ मुख की और मतलब उनकी और सम्मुख मतलब मुख के आगे सन्मुख मुख के सामने इसका मतलब क्या है बाराती जहाँ पर बैठे हैं उनके सामने उनकी और देवचंद्र जी महाराज चले आवत टोके जैसे देवचंद्र जी महाराज को बारातियों ने देखा तो उसमें से किसी एक व्यक्ति ने टोका मतलब वो थोड़ा जोर से बोला ऊंची आवाज में देवचंद्र जी महाराज को कुछ शब्द बोला क्या बोला देवचंद्र जी महाराज को यहाँ टोकना मतलब ऊंची आवाज में करना कि कौन है आवत देवचंद्र लिया इन वो आदमी ने क्या बोला कि अरे भाई कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो इधर क्यों आ रहे हो आदि प्रश्न थोड़ी ऊंची आवाज में किया तो इसी को कहा टोकना तो ये है आवत टोके तीन कौन है कहाँ आवत तुम कौन हो क्योंकि स्पष्ट कोई ओ, दिखाई नहीं देता था थोड़ी थोड़ी अंध, थोड़ा अंधेरा भी छाया हुआ था इसीलिए अस्पष्ट कोई आदमी आते हुए किसी ने देखा तो टोका कि भाई तुम कौन हो कहाँ से आ रहे हो अपना परिचय दो तब देवचंद्र जी महाराज ने अपना नाम लिया अरे मैं देवचंद्र हूँ यहां पर जी महाराज ने अपना नाम लेते हुए कहा मैं हूँ तब आगे चौपाई क्या कहती है तब ले चले सिरदार् तुम क्यों आए हमको मिले बड़ो अचरज भया मन्ना तब देवचंद्र जी महाराज ने जैसे ही कहा मैं देवचंद्र हूँ तो पूछने वाला व्यक्ति ने और भी कई बातें पूछी होगी तब देवचंद्र जी महाराज ने कुछ उन उसको संकेत किया कुछ बात बताई तब सीधा उसने सरदार पे मतलब तब ले चले सिरदार पे शिरदार मतलब वो प्रमुख वो मंत्री जिसको देवचंद्र जी महाराज ने उमरकोट में पूछा था मैं भी आप लोगों के साथ आना चाहता हूँ वो सिरदार था प्रमुख मंत्री था इसलिए जिसने देवचंद्र जी महाराज को यहाँ टोकते हुए पूछा था कौन हो भाई कहाँ से आए तो वही व्यक्ति ने उस सिरदार के साथ में देवचंद्र जी महाराज को मिलाया तब ले चले सिरदार पे सिरदार के पास में सरदार यहाँ सरदार अर्थ है तो प्रमुख है सरदार मतलब प्रमुख है मंत्री है उसके पास वो ले गया उन्होंने पूछे सुकन्या अब उन्होंने मतलब उस मंत्री ने उस सरदार ने देवचंद्र जी महाराज को कुछ पूछा क्या पूछा तुम क्यों आए हमको मिले अरे देवचंद्र तुम किस तरह से यहां पर पहुंचे किस तरह से हमारे साथ में मिले हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्यों तो आगे यहाँ कहते हैं तुम क्यों आए हमको मिले बड़ो अचरज मन आश्चर्य मुझे तो आश्चर्य हो रहा है ताजुब हो रहा है तुम कैसे यहाँ पर पहुंचे क्यों यहाँ आगे खुलाते हैं क्यों कर रहा पाई तुम तुमने ये मार्ग कैसे पता किया ये पथ पत का पता तुम्हें कैसे चली और कहते हैं क्यों पहुंचे असवारों संग तब जवाब श्री देव चंद्र जी दिया हम आए चले जैसे बंग तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा उसके पूछने पर क्या पूछने पर कि तुमने राह कैसे पाई और हम तो असवारों के साथ में मतलब घुड़सवारों के साथ में हैं और तुम पैदल चलते हुए हमारे पीछे पीछे ऐसी रात्रि कालीन समय में जहाँ मार्ग का कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हें मार्ग कैसे पता चला मार्ग पता भी चला हो तो हम तो असवार के साथ में हैं साधन सवारी साधनों के साथ में हम आए थे तुम तो पैदल चलते हुए तुम कि, किस प्रकार से हम यहाँ रुके यहाँ पर पहुंचे हमको कैसे मिले आदि आदि प्रश्न उस मंत्री ने किया तब देवचंद्र जी महाराज ने जवाब दिया तब जवाब देवचंद्र जी श्री देवचंद्र जी दिया हम आए चले जैसे बंग तो बंग मतलब हवा देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि हम तो हवा की तरह मतलब हवा की रफ़्तार से हवा की गति से हम बहते चले आए मतलब उड़ते चले आए जैसे हवा बहती है हवा की तेज़ रफ़्तार जैसे हवा की होती है उसी प्रकार से हम भी हवा की गति से उड़ते हुए अथवा बहते हुए यहाँ तक पहुंचे हम चले हम आए चले जैसे बंग मतलब हवा की तरह हम यहाँ पहुँचे हवा की तरह मतलब हवा की गति की तरह हवा जिस गति से उड़ती है बहती है उसी गति से हम भी आप लोगों के पीछे पीछे आए इस तरह से उन्होंने जवाब दिया तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम पाओ अपने बल से चले मार्ग आए हम आगे कहते हैं तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम हम तो हवा की गति की भांति हम आगे बढ़ते चले चलते आए और आप लोगों के पीछे 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 पीछे, पीछे वह कदमों पर धरे कदम मतलब वो मार्ग अनुसरण करते हुए आप जिस मार्ग पर आप लोग आए उस मार्ग का अनुसरण करते हुए पदचिन्ह आप लोगों के जो देखते हुए उस पद चिन्ह देखते हुए उसके पीछे पीछे उसके अनुसरण करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम तो कहते मेरा परमात्मा ने दिया हुआ पाव उसके चलते हुए उसी के बल के आधार पर मैं पैदल चलते हुए चले मार्ग आए हम हम उसी मार्ग से चलते हुए आए यहाँ तक पहुंचे जिस मार्ग पर आप लोग चलते यहाँ पहुंचे थे उसी उसी का अनुसरण करते हुए चिन्ह को देखते हुए मैं यहां तक तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया तब आगे कहते हैं सबों अचरज पाए के कही खोलो कमर वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी कोई था आग जलावने पर देवचंद्र जी महाराज की ऐसी बातें सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ बड़े आश्चर्यचकित हो गए सभी तो कहते हैं सबो अचरज पाए के सब भी आश्चर्यचकित हो गए मंत्री तो हुआ उसके आसपास जितने लोग सुन रहे थे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए अरे हम तो सवारी साधन में इस तरह से तेज गति से चलते आ रहे थे कोई रथ में कोई घोड़ा में कोई ऊँटों में लेकिन देवचंद्र तो पैदल अकेले इस घनघोर रात्रि में पैदल चलते हुए इस तरह से पहुंचे यह तो कोई चमत्कारी हुआ ऐसा सब ने मान लिया आश्चर्यचकित होते हुए कही खोलो कमर अब उस मंत्री ने क्या कहा कि हे देवचंद्र कही उस मंत्री ने कहा खोलो कमर कमर खोलो मतलब अपनी जो अपना सामान अपनी सामग्री है अब अपने शरीर से उतार लो जो कमर खोलने का मतलब अब हल्का हो जाओ आप जो सामान उठा रखे हैं आपने वो सामान सब कुछ उतार लो और फ्रेश हो जाओ अब विश्राम कर लो यहाँ पर हमारे साथ में ही विश्राम कर लो ये अर्थ है कहीं खोलो कमर कल पूछूंगा हाँ ये खोलो कमर का क्या अर्थ होता है कही खोलो कमर र तो मतलब सामान सामान सब उतार करके विश्राम कर लो ये अर्थ है वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी कोई था आग जलाने पर वे मतलब उन लोग कौन वहा आस पास जो खड़े थे बातें सुन रहे थे बाराती लोग मंत्री प्रश्न कर रहा था पूछ रहा था तो आसपास दूसरे लोग भी सब खड़े थे आश्चर्यचकित होकर के वो क्या कर रहे थे सभी लोग वो तंबू गाड़ना और सामान वगैरह उतारना क्योंकि अब वहाँ पर थोड़ा विश्राम भी करना और भोजन इत्यादि तैयार करना और फिर बाद में वहाँ से आगे प्रस्थान करना यही होता था इसीलिए वहाँ पर सारी तैयारियाँ कर रहे थे कोई तो तंबू टांग रहे थे कपड़े का अलग अलग ओछाया के लिए बैठने के लिए तंबू गाड़ रहे थे टांग रहे थे कोई आग वो चूल्हा बना बना करके आग जला रहे थे क्योंकि भोजन भी करना है तो वहाँ पर जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पानी की सुविधा होगी इसीलिए या तो कुआ होगा या तो तड़ाग होगा या कुछ नदी कोई नदी होगी इस उसके किनार में ये सब डेरा डंडा पछाड़ करके बैठे थे मतलब डेरा डंडा उतार करके वहाँ पर तंबू टांग रहे थे कोई कोई तो क्या कर रहे थे चूल्हा बना करके आग जला रहे थे और कोई अपना अपना काम में व्यस्त थे अब देवचंद्र जी महाराज पहुंचने के बाद सभी आश्चर्यचकित होकर के बातें सुन रहे थे तब मंत्री ने कहा कि अब सब अपना सामान भी उतार लो देवचंद्र जी और हमारे साथ विश्राम कर लो इतने कहने पर वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी अब फिर से सब अपने अपने काम में लग गए डेरा डंडा अब वहाँ तैयार करना तंबू गाड़ना और सब सामान तैयार करना आदि वे पूर्ण उस कार्य में लग गए मतलब वो पड़ाव जहाँ पर रखे थे वहाँ की तैयारी फिर करने लगे कोई था आग जलावने पर कोई तो चूल्हा बना करके आग तैयार कर रहा था आग जला रहा था भोजन आदि बनाने के लिए आगे कहते हैं तब उन कायस्त सिरदार ने रसोई का किया आदर रा। चाहो तो सीधा लेवो या आओ रसोई पर रा। तो अब उस कायस्थ वो मंत्री भी कायस्थ जाति का ही था देवचंद्र जी महाराज के माता पिता भी कायस्थ थे कायस्त जाति कायस्त बिरादरी तो देवचंद्र जी महाराज का शरीर भी उस कायस्त जाति से ही था इसलिए यहाँ वो जाति की बात कर रहे हैं तो सिरदार ने वो कायस्थ सिरदार देवचंद्र जी महाराज के जाति का ही था वो मंत्री वो सरदार वो सिरदार तब उसने क्या बोला रसोई का किया आदर हे देवचंद्र जी आप थोड़ी देर विश्राम करो यहां रसोई तैयार हो रही है भोजन तैयार हो रहा है आप हमारे साथ में ही भोजन करेंगे और साथ में यह भी कहा चाहो तो सीधा वो या आओ रसोई पर यदि यदि आप चाहो कि आपकी इच्छा हो स्वयं पका करके स्वयं बना करके खाने की तो चाहो तो सीधा ले वो। सीधा मतलब क्या है कच्चा सामान कच्चा सामग्री जो भोजन की कच्ची सामग्री जैसे दाल चावल सब्जियां आदि जो भी कच्ची सामग्री है अभी भोजन बन बन के तैयार नहीं हुआ है उसको सीधा बोलते हैं तो चाहो तो वो तो कच्चा सामान लेकर के आप बना सकते हैं यदि चाहो तो हमारे साथ में ही तैयार भोजन आप कर सकते हैं या और रसोई पर या तो तैयार यहाँ रसोई मतलब तैयार भोजन या आप चाहो तो कच्चा सामान भी ले सकते हो कच्ची सामग्री ले सकते हो या तो तैयार भोजन आप भोजन में आप आ सकते हैं तो आगे कहते हैं तब श्री देवचंद्र जी ने यूं कर दिया जवाब मैं अपने हाथों करता हूं कहा के तब श्री देवचंद्र जी ने तो मंत्री के इस तरह के आग्रह के बाद किस तरह के या तो आप हमारे साथ में रसोई कर लीजिए या तो कच्चा सामग्री लेकर के अपने हाथों बना करके खाइए तब देवचंद्र जी ने इस तरह से दिया जवाब यूं कर दिया जवाब मतलब इस तरह से उत्तर दिया जवाब दिया क्या दिया मैं अपने हाथों करता हूँ मैं अपने हाथ से ही भोजन बनाऊँगा मैंने अपने साथ सामग्री भी लाई है मेरे साथ सब वस्तु उपलब्ध है मैंने आवश्यक वस्तुएँ आवश्यक कच्चा सामा कच्ची सामग्री सब मैंने अपने पास रखी हुई है कया का के बाब मतलब उसके पश्चात उसके उपरांत किसके उपरांत सदगुरु जी ने कहा नहीं नहीं आप ये तकलीफ ना करें आप यह तकलीफ ना उठाएं क्या कि आप बोल रहे हैं भोजन लेना या कच्चा सामग्री लेना इसकी चिंता आप न करें मेरे पास सामग्री है इसलिए वही सामग्री मैं भोजन वही तैयार करके मैं ग्रहण करूंगा परमात्मा को भोग लगा करके इसीलिए आप इसकी चिंता ना करें यह कहने के बाद इसके उपरांत कहा कायस्त तिन के बाब इसके उपरांत उस कायस तो उस मंत्री ने उस अमात्य ने कहा तो क्या कहा तो हमारे भंडार से सीधा लेव तुम तब श्री देव चंद्र जी ने कहा घर से सीधा लाए हम फिर वही प्रसंग है देवचंद्र जी महाराज ने भोजन के लिए तो अस्वीकार किया फिर उसके बाद में उन्होंने आ, कहा तो हमारे भंडार से कच्चा सामान ही ले लो कच्ची सामग्री ले लो तब श्री देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा लाए हम हम घर से ही अपनी वस्तु अपनी आवश्यक चीजें अपने पास में मैं ले आया हूँ इसलिए मैं तो वही वस्तु ले लूँगा करके उन्होंने कहा तब तब कायस्त दुख पाए के कही हमारी नहीं ए रवेश हमारी न्यात का ले हम पे हो तुम हमारे खेस अब आगे लाल दास जी महाराज बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी तब कायस्थ दुख पाए कि वो कायस्थ वो मंत्री वो अमात्य वो सरदार सिरदार बड़ा दुखी हुआ दुख पाकर के मतलब दुखी होते हुए क्या कहा कही हमारी नहीं है रवेश उन्होंने क्या कहा अरे देवचंद्र जी यह यह रवेश यह परिपाटी यह रीति रिवाज हमारी नहीं है रवेश मतलब रीत रिवाज परिवेश परंपरा रवेश परंपरा रीति रिवाज तो ऐसी रीति रिवाज हमारी नहीं है ऐसी परंपरा हमारी नहीं है कैसी हमारी न्यात का ले हम पे ये न्यात मतलब जाति विरादरी हमारी जो जाति का है हम तो एक ही जाति के हैं आप भी कायस्त हैं हम भी कायस्त हैं तो एक ही जाति में होते हुए भी आप क्यों मना कर रहे हैं हाँ दूसरी जाति होती तो स्वाभाविक था हम इसमें हमें आश्चर्य नहीं होता लेकिन हम भी कायस्त हैं आप भी कायस्त हैं एक ही बिरादरी के एक ही जाति के होते हुए भी आप क्यों इनकार कर रहे हैं क्यों भोजन के लिए अस्वीकार कर रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं हो तुम्हारे हो तुम हमारे खेस वो खेस का मतलब भी जाति है हमारे जाति के ही हो आप इसलिए हम आपको आग्रह करते हैं हमारे साथ भोजन करें या तो हमारे साथ में सीधा लेकर के कच्चा सामान लेकर के आप भोजन तैयार करें इतना उसने बहुत आग्रह किया उसके आग्रह के बाद में तब सीधा तिनका लिया करी रसोई ताहे जा स्वरूप को दर्शन पायो थो ताको रसोई आरो गाए। उसके प्रेम भावपूर्वक आग्रह करने पर देवचंद्र जी महाराज ने तब सीधा तिनका लिया उस काय के भंडार में से कच्चा सामान ग्रहण कर लिया सीधा ले लिया फिर करी रसोई ताहे तो अपने हाथों से वहाँ रसोई की सामान सामान लेकर के फिर स्नान आदि किया तो सब कुछ शुद्ध होकर के फिर उन्होंने बड़े प्रेम से बड़े भाव से भोजन तैयार किया और जहाँ स्वरूप को दर्शन पायो थो ताको रसोई आरो गाए जिस स्वरूप को उन्हें दर्शन हुए थे जिस स्वरूप के दर्शन श्री देव चंद्र जी महाराज को हुए थे फिर ताको रसोई आरो गाए उसी स्वरूप को भोग लगाते हुए समर्पण करते हुए फिर बाद में प्रसाद के रूप में सदगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज ने भोजन ग्रहण किया तो कितना सुंदर प्रसंग है सुंदर साची इसमें से कितना एक एक चौपाई का भाव एक एक चौपाई क्या संदेश दे रही है यह भी हमें समझना चाहिए तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने क्यों इनकार किया भोजन उनके यहाँ एक ही जाति एक ही बिरादरी के होते हुए भी उनके यहाँ भोजन करना क्यों अस्वीकार किया यह भी समझने जैसा है क्योंकि शास्त्र में कहा है संतों ने कहा है कि अन्न जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा इसलिए कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगे होगा मन मन उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करेंगे और जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी तो हमारी वाणी उसी प्रकार की होगी हमारा स्वभाव उसी प्रकार का बनेगा जिस प्रकार का पानी पिएंगे जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे उसी प्रकार का मन हमारा होगा इसलिए ये मन का संसार है मन जैसा होगा उसी प्रकार का हमारा जीवन बनेगा इसलिए मन को साधना है मन को शुद्ध बनाना है तो अन्न पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए किस प्रकार का अन्न खाना चाहिए किस प्रकार से कमाई की हुई कमाई के अन्न खाना चाहिए वो सब विचारणीय है इसलिए संत महापुरुष जहाँ कहीं जाकर के खाते नहीं हैं वो बड़ा विचार करते हैं हम जहाँ खाते हैं उनकी कमाई किस तरह की है उनके घर में वो खाद्य सामग्री आई किस तरह से है किस प्रकार की कमाई से है क्या सात्विक कमाई है क्या मेहनत की कमाई है क्या पसीने की कमाई है वो विचार करते हैं इसीलिए शास्त्रों में कहा कि किसी को दुखी करके आर्जित अर्जित किया हुआ भोजन वो नहीं करना चाहिए किसी को पीड़ा में डाल करके तैयार किया हुआ भोजन वो कभी नहीं करना चाहिए अनेक शास्त्रों में निर्देश है इसीलिए संत सदगुरु शास्त्र हमें बार बार समझाते हैं कि भोजन करते हुए बड़ा विचार करना चाहिए हर कहीं भोजन करें हर किसी के बनाया हुआ भोजन करें तो बनाने वाले व्यक्ति की भावना कैसी है वह खाने वाले व्यक्ति के ऊपर वह भावना का असर पड़ेगा और किस प्रकार से कमाई करते हुए बनाया है उसका भी असर पड़ेगा और जिस प्रकार से पिरसते हैं उसका भी असर पड़ता है इसीलिए कहते हैं कि भोजन बनाते हुए सकारात्मक सोच रख करके बड़े प्रेम से भाव से भजन गाते हुए भजन गुनगुनाते हुए परमात्मा को याद करते हुए भोजन बनाना चाहिए ताकि वो भोजन में वही ऊर्जा वही वाइब्रेशन भोजन में भी हो और भोजन करने वालों के प्रति उसका असर हो तो आज बड़ा विचित्र स्थिति है इसका यही अर्थ है आज लोग घर से अधिक बाहर होटल में खाना पसंद करते हैं इसलिए जैसे होटल में खाते हैं तो होटल में भोजन बनाने वाला किस प्रकार का होता है न तो स्नान ध्यान पूजन उसकी कोई शुद्धताई की ख्याल नहीं है हाँ बाहर थोड़ा सर सफाई भी लगे लेकिन अंदर जाकर के देखेंगे होटल में भोजन किस प्रकार से बनता है तो पता चलता है वहाँ भोजन करने जैसा नहीं होता है और जो भोजन बनाने वाला है वो भोजन जो जो करने वाले हैं उनके प्रति उनका कोई सद्भाव होता नहीं है इसीलिए वो मन में अनेक प्रकार के बुरे विचार किसी के प्रति दुर्भावना रखते हुए यदि भोजन बनाता है तो वही दुर्भावना भोजन करने वालों के प्रति भी पनप जाती है तो एक कुछ प्रसंग याद आया कि कोई एक अच्छा भला आदमी कुछ दिन उसको होटल में खाना पड़ा घर के लोग कहीं बाहर गए होंगे तो उसको कुछ दिन होटल में भोजन करना पड़ा बड़ा भला आदमी था अच्छा आदमी था तब कुछ दिन के बाद में उसके स्वप्न बड़े बुरे आने लगे और उसके स्वप्न में क्या आता था कि वो कहीं किराए में रह रहा है उसको बार बार किराए के पैसे देने में तकलीफ हो रही है और घर मालिक उसे बड़ा डांट फटकार कर रहा है घर मालिक बोल रहा है कि यदि तुम कल तक किराए जमा नहीं कराओगे तो तुम्हारे सामान फेंक दिए जाएंगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा वो बड़े दुखी होकर के वो जग जाता था और देखता था वो तो अपने विस्तार में सोया हुआ है फिर दूसरे दिन भी इसी तरह का स्वप्न वो देखने लगा बड़ा दुखी हो गया अरे भाई मैं तो अपने घर में रहा हूँ मेरा आलिशान बंगला है अपने वेड़ बिस्तर में मस्ती से सोया हुआ हूँ लेकिन यह क्यों हो रहा है इस प्रकार के स्वप्न क्यों आ रहे हैं तो उसने जानना चाहा फिर उसने जाकर के होटल में तपास की तो उसको पता चला जो भोजन बनाने वाला है ना भोजन बनाने वाला किराए के मकान में रहता था उसको ये सारी परेशानी हो रही थी कि वो मालिक से बार बार दुखी था वो किराए नहीं दे पा रहा था और वो जो होटल में से मिलता था वो अनेक अखाद्य पदार्थ खा करके पैसा पूरा कर देता था और मालिक को किराए देने का पैसा नहीं होता था तो वही जो भोजन बनाने वाला जो कुकमैन है वो इसी प्रकार की भावना लेकर के भोजन बनाता था अरे मेरे पास पैसे नहीं है मालिक डांटेगा फटकारेगा मेरा सामान निकाल देगा अब उसने कहा इस प्रकार तो अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं दूसरा कहाँ ढूंढूं इत्यादि वो विचार करते यही यही मन में उसका चलता था और वो भोजन बनाता जाता था उसका असर खाने वालों पर पड़ा तो जैसे ही उसने अब घर में जाकर के अपने हाथों से भोजन बना करके खाना शुरू किया तो ये बुरे स्वप्न भी आना बंद हो गया तो यह होता है भोजन का असर और दूसरा भी मैं दृष्टांत देना चाहता हूं कि भोजन का क्या असर होता है तो एक कोई साधु सन्यासी साधक बड़े अच्छे साधक थे तो वे एक बार विचरण करते हुए किसी नगर में पहुंचे तो किसी के यहां अतिथि बन गए और भोजन भोजन किया और रात्रि विश्राम किया किसी व्यक्ति के यहां तो रात में वो संत ने क्या देखा घर के आंगन में एक रिष्ट पुष्ट घोड़ा बधा हुआ देखा तो वो साधु सन्यासी ने क्या सोचा अरे ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो कितना बढ़िया होता मैं तो पैदल पैदल भिक्षाटन कर रहा हूं कहां कहां भटकना पड़ता है इधर से उधर कहां से कहां पहुंचना पड़ता है यदि घोड़ा मुझे मिल जाए तो मुझे सरल होगा कहीं भी जाने आने में लेकिन यह अब देने वाला तो नहीं है इसलिए मुझे इसकी चोरी करनी पड़ेगी तो रात के समय में उठा और उठ करके वो घोड़ा वहाँ से खोला खोल करके कहीं दूर जंगल में ले जा के बांध दिया और आकर के जैसा तैसा आकर के फिर उसी घर में सो गया अब जैसे सुबह उठा तो अब घर वालों को पता चला कि घोड़ा है नहीं अब किसको क्या बोलें क्योंकि जो घर में अतिथि के रूप में संत है वो तो वहीं है सा, अपने साथ में ही है कहीं गए नहीं है तो सुबह संता संत ने विदाई ली फिर सीधा गया घोड़ा घोड़ा के पास में अब वो दो चार दिन तक तो उसको अच्छा लगा लेकिन मन में बड़ा पीड़ा भी होने लगी अरे मैं क्या मैंने क्या किया धीरे 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 दो चार दिन तक तो उसको बड़ा आनंद आया कुछ विचार किया ही नहीं फिर दो चार दिन के बाद में वो जग गया अरे मेरे जैसे संत मेरे जैसे साधक साधु सन्यासी आदमी इस प्रकार से चोरी करे ये ठीक बात नहीं है मेरा जीवन यह तो बिगड़ बिगड़ रहा है मेरा जीवन बर्बाद होने वाला है इससे इसलिए मेरा यह कार्य सही नहीं है वो तुरंत घोड़ा लेकर के एक हफ्ता के बाद में लौटा और लौट करके आया क्षमा मागी उस जहां पर रुका था जो घोड़े का मालिक था उससे क्षमा मागी घोड़ा वापस कर दिया लेकिन संत के मन में यह जिज्ञासा बनी रही कि भाई मेरे मन में इस प्रकार का भाव क्यों आया कभी नहीं आता था मैं तो हर हमेशा सदैव सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति सबकी भलाई सोचने वाला व्यक्ति यह मन में यह भाव कैसे पनपा कैसे यह यह दुर्भावना जगी चोरी की भावना कैसे उठी तब वहां पर उसने जानना चाहा तो उसको पता चला जिस घर पे वो रुका था जिसका अन्न वो खाया था वो बड़ा चोर था बड़ा लुटेरा था उसने वो घोड़ा भी किसी का लूट करके लाया था और अन्न भी किसी का किसी की चोरी करके एकत्र किया हुआ था उसकी जो कमाई थी बिल्कुल चोरी की कमाई थी लूट करके उसने लाया था किसी को दुख दे करके एकत्र किया हुआ अन्न था घोड़ा भी किसी का लूटा हुआ था इसीलिए संत ने जब वो अन्न खाया तो अन्न का प्रभाव उसने दिखाया कि उसके मन में भी चोरी की भावना आ गई और घोड़ा भी चोरी का ही था इसीलिए संत के मन में वो भाव निकला अब देखो भोजन किया तो आज का आज तो पूरा होने वाला नहीं है प्रभाव कई दिन तक भोजन का प्रभाव शरीर में रहेगा तो आज किया था उसने रात को भोजन किया था उसका प्रभाव तो उसी एक दो घंटे के बाद में दिखना शुरू हो गया और रात में ही घोड़ा चोरी की सुबह वो लौट करके आया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन लगभग एक हफ्ता तो वो कुछ उसने विचार किया ही नहीं फिर एक हफ्ता के बाद में जब धीरे 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 वो अन्न का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा क्योंकि अन्न रातों खाया सुबह मल के द्वारा तो वो कुछ निकलता है लेकिन उसका जो रस है वो भी तो शरीर में रहता है वो तो कई दिन कई महीने तक उसका प्रभाव रहता है लेकिन संत भजनी थे बड़े साधक थे इसीलिए उनका प्रभाव उस अन्न का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहा उन्होंने विचार किया अरे ये बुरे प्रभाव बुरे विचार बुरी सोच मेरे में क्यों आ रही है उन्होंने जानना चाहा, भजन बढ़ाया भक्ति बढ़ाई साधना बढ़ाई तो उसका असर जल्दी से पूरा हो गया उन्होंने जाना हाँ ये बात थी तो कई दिनों के बाद उसका असर बिल्कुल पूरा हो गया इस प्रकार से इसीलिए कहते हैं अन्न हमें बड़ा ध्यान देकर के कहाँ से कमाई की हुई है कहाँ से वो अन्न तैयार हुआ है और किसने बनाया है किस भाव से बनाया है ये सारा ध्यान दे करके हमें खाना चाहिए यदि जीवन को पवित्र बनाना हो तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि हर कहीं भोजन नहीं करना चाहिए बड़ा सोच विचार विचार करके किसके यहाँ खाना चाहिए किसके यहाँ नहीं खाना चाहिए किस प्रकार का अन्न खाना चाहिए यह विचार करने जैसा है इसलिए सबसे अच्छा अन्न है स्वयं की कमाई की हुई ही स्वयं के मेहनत से पसीने निकाल करके जो अन्न तैयार हुआ अब वो बहुत मुश्किल कार्य है आज के समय में आज तो अब घर का अन्न तो बेच देते हैं और बाहर से खरीद करके लाते हैं खाते हैं इसलिए भी सबका मन थोड़ा दूषित है वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है कहाँ से कृप किस प्रकार से अन्न आता है उसका ख्याल ही नहीं है जिस घर के लोग जो लोग किसी को दुखी करते हैं किसी की हिंसा करते हैं किसी की निंदा करते हैं किसी की चुगली करते हैं ऐसे घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए और जहां पर मांस मदिरा इत्यादि चलता है अंडा मांस मदिरा सिगरेट बीड़ी तमाकू आदि का सेवन जिस घर में होता है जो व्यक्ति करता है उसके हाथ से भी भोजन कभी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के घर में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए दूसरे को दुखी करके कमाया हुआ भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए इत्यादि हमें खूब विचार करना चाहिए जीवन को यदि सफल बनाना हो जीवन को खुश खुशहाल बनाना हो तो ये सब विचार करके इसीलिए देवचंद्र जी महाराज ने कहा पहले तो देखो जाति की यहां कोई बात ही नहीं है यदि परमात्मा का भजन करता हो परमात्मा की भक्ति करता हो और सदगुणी हो तो सब एक ही जात है लेकिन एक ही जात में ही बिरादरी में होते हुए भी उसका खान पान रहन सहन बिल्कुल अलग है दूषित है मांस खाता हो मांस भक्षण करता हो शराब पीता हो सिगरेट पीता हो तमाकू इत्यादि खाता हो तो एक ही जाति के होने से कोई इसमें लाभ नहीं है जाति की बात यहाँ नहीं है इसीलिए अपने घर परिवार में ही इस प्रकार के लोग हैं जो मांस मदिरा खाते हैं पीते हैं अवक्षण अभक्ष पदार्थ भक्षण करते हैं खाते हैं तो ऐसे लोगों के हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए घर में भोजन करने की बात तो दूर ही है ये शास्त्र का संदेश है इसीलिए जिसका खान पान रहन सहन शुद्ध हो सात्विक हो किसी को पीड़ा कष्ट दुख दर्द नहीं दिया हो इस प्रकार के लोगों के घर में इस प्रकार के लोगों के हाथ से भोजन करना चाहिए जो प्रेम से खिलाता हो प्रेम से पिरसता हो प्रेम से भोजन कराता हो बनाता हो ऐसे लोगों के हाथ से ही करना चाहिए ये शास्त्रों का निर्देश है इसीलिए देवचंद्र जी महाराज ने पहले मना किया फिर सब जाना कि हाँ ठीक है इनके यहाँ भोजन कर सकते हैं इनका भी रहन सहन खराब नहीं है ठीक है अच्छे हैं उनको लगा तब जाकर के उन्होंने सीधा सामग्री कच्चा कच्चा सामग्री ग्रहण किया तब सीधा तिनका लिया करी रसोई है तो देवचंद्र जी महाराज ने वहाँ रसोई बनाई जहाँ स्वरूप को दर्शन पायो थो जिस स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया था जिस स्वरूप के दर्शन उन्हें हुए थे ताको रसोई आरो उनको रसोई आरोग मतलब भोग लगाया मतलब बिना भोग लगाया हुआ भोजन वो भोजन नहीं होता इसीलिए जो कुछ भी आए तो सब कुछ परमात्मा के चरण में समर्पित कर दें उन्हें अर्पण करके ही भोजन करना चाहिए तो इस तरह से तो प्रसाद लेके पौड़ रहे फेर के उठे जब उठ के गई को हुए तैयार सब अब देवचंद्र जी महाराज ने प्रसाद तैयार किया और भोजन उनको प्रसाद लगा करके फिर फिर वो ग्रहण किया प्रसाद लेके प्रसाद के रूप में लिया न कि खाना के रूप में इसलिए खाना नहीं खाना चाहिए हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए प्रसाद और प्रभु का प्रसाद लगाया तो वो भोजन हो गया नहीं तो वो खाना हो गया खाना नहीं खाना चाहिए इसलिए फिर के उठे जब फिर वो प्रसाद लेकर के थोड़ी देर आराम किया उन्होंने फिर उठ कर के खड़े हो गए फिर उठ के गैल चलन को तब देखा सब लोग गैल मतलब अब फिर वो मार्ग चलने के लिए सब तैयार हो गए थे हुए तैयार सब सब तैयार हो गए थे तब उन कायस्त ने कहा अपने लोगों को दो ऊंट पर असवार हो उनमो तब वो कायस्त उस मंत्री ने कहा अपने लोगों को क्या कहा पर असवार केते शामिल हो उनमो अरे सुनो अपने दो ऊंट पर आप लोग कितने सवारी हो कितने असवार मतलब या सवार कितने सवार हो कितने आरोहित हो मतलब दो ऊंट पर कितने सवार हो तो पहले ऊंट की बात नहीं थी 200 सौ असवार एक बैल देखो अब यहाँ आकर के ऊंट की बात है मतलब निश्चित नहीं है कि इतने ऊंट इतने घोड़े इतने असवार ऐसा नहीं है वो अंदाजित बोल रहे हैं इसीलिए कहा दो ऊंट पर दो ऊंट पर कितने सवार हो भाई कितने शामिल हो उनमें कितने लोग बैठे हुए हो तब उन्होंने उत्तर दिया हम हैं जने चार तब कह पाँच माँ यह तुम शामिल करो असवार तो मंत्री के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया तो हम चार जने हैं दो ऊट में तो मंत्री ने कहा तब ये पाँच माँ देवचंद्र जी को भी शामिल करो अब ये हमारे साथ में ही आएंगे शामिल करो असवार यह सवारी के रूप में इनको भी बैठा लो अपने साथ में इन भात श्री देवचंद्र जी आए पहुँचे कच्छ में गए लोक अपने ठौर आप लगे खोज में इस प्रकार से अब वहां से देवचंद्र जी महाराज साथ में कच्छ में पहुँचे उनके साथ में जहाँ पड़ाव था उसके बाद में मंत्री के कहने पर ऊँट में बैठे और साथ में बारातियों के साथ में देवचंद्र जी महाराज कच्छ पहुँचे गए लोग अपने ठा जो बाराती लोग हैं अपने अपने लौकिक कार्य में जो कार्य के लिए आए थे लौकिक कार्य विवाह का कार्य लेकर के आए थे उसी कार्य में सब लोग अपने जगह में गए आप लगे खोज में श्री देव चंद्र जी महाराज अब परमात्मा के खोज में लग गए अब यह खोज में लग गए मतलब कहाँ है करके पूछते हुए कहीं ढूंढते हुए थोड़ी चले अब उनको पता चला मेरे अंदर ही है वो बैठे हुए लेकिन उनको कैसे प्रकट किया जाए किस साधना से किस माध्यम से किस उपाय से उनको प्रकट किया जाए उनके दर्शन किए जाए यह उपाय ढूंढने लगे ये साधना करने लगे यह अर्थ है आप लगे खोज में परमात्मा की तलाश करने लगे उनको प्रकट करने का उपाय शोधने लगे साधना करने लगे श्री महामती कहे साथ जी ये श्री देव चंद्र जी की बीतक आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग तो लालदास जी महाराज कहते हैं श्री महामती कहे साथ जी यह महामती है लालदास जी के लिए शब्द है ठीक है तो लालदास जी महाराज को भी महामती के संबोधन किया जाता था इसलिए महामती कहे साथ जी तो महान बुद्धि ये लालदास जी कह रहे हैं हे साथ जी हे सुंदर साथ जी यह श्री देवचंद्र जी की भी तक का अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो तो देवचंद्र जी महाराज की दिव्य वितक है और आगे खोज करेंगे सोई बातें बुजुर्ग अब आगे खोज करेंगे परमात्मा की खोज करेंगे आत्मा की खोज करेंगे अर्थात अनुभव करेंगे उनके दर्शन करेंगे सोई बातें बुजुर्ग का वह तक है बहुत ही विशिष्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण तो बीतक है बुजुर्ग मतलब अति से विशिष्ट और अति से महत्वपूर्ण तो यह बीतक है कौन सी भी तक आगे खोज करेंगे अभी तक देवचंद्र जी महाराज की जो जीवनी प्रारंभिक जीवनी चल रही है जैसे उन्होंने गृह परित्याग किया किस कारण से क्या क्या प्रसंग हुआ ये चल रहा है अब आगे अब वो खोज का प्रसंग चलेगा साधना का प्रसंग चलेगा किस प्रकार से परमात्मा की खोज करेंगे साधना करेंगे उनके दर्शन पाएंगे ये सब कथा आगे चलने वाली है सो भी तक है मतलब मतलब सो बातें अब आगे चलने वाली जो बात है प्रसंग है लीला है देवचंद्र जी महाराज की जीवन लीला वो अतिशय बुजुर्ग है मतलब महत्वपूर्ण है विशिष्ट महत तो है उत्कृष्ट है, है आप सभी बड़े ध्यान से श्रवण करना तो सुंदर शाह जी इस प्रकार से यहाँ द्वितीय प्रकरण पूरा हो जाता है और कल से हम तृतीय प्रकरण में प्रवेश करेंगे आप सभी ध्यान से सब श्रवण करेंगे और शब्द भी याद करेंगे शब्द का अर्थ और कई चौपाई इस प्रकार की है तो हमारे जीवन में भी अतिशय उपयोगी चौपाई होती है इस प्रकार की चौपाई भी याद करें तो अच्छा रहेगा तो आज के लिए इतना ही कल पुनः मिलेंगे आप सभी को प्रेम प्रणाम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की प्रणाम बाते सोए बातें गुजरा कर श्री महामती कहे साथ जी श्री श्री देव जी की गीता का कर। खोज करेंगे आगे खोज करेंगे, करेंगे। बातें बुजरे सोए बातें गुजरा कर बातें सोए